स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। राइटर इज एनिस जंगी। हमारा सेकंड चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का। पहले इसकी थोड़ी सी समरी देखते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर मेन है, एक साहिब है एंड सेकेंड इज मुकेश। साहिब जो है सीमापुरी में रहता है, मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है। सीमापुरी कहाँ पर है? नियर दिल्ली। एंड फिरोजाबाद कहाँ है? यूपी में है। ये भी दिल्ली के पास है वैसे, लेकिन यूपी में है। सीमापुरी किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर रैग पिकर्स रहते हैं। रैग पिकर्स का मतलब कूड़ा बीनने वाले। फिरोजाबाद क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, बेंगल इंडस्ट्री है। ये चूड़ियां बनाने के लिए या कांच के सामान बनाने के लिए फेमस है फिरोजाबाद। तो ये जो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों गरीब हैं। इस चैप्टर में राइटर ने इन दो बच्चों के द्वारा पूरे भारत के गरीब बच्चों के बारे में बताने की कोशिश की है। लॉस्ट चाइल्डहुड उसका मतलब यही है। सेकेंड इस चैप्टर में एक स्टोरी और आती है, यंग बॉय फ्रॉम उडुपी। ये स्टोरी चैप्टर के बीच में स्टोरी दे रखी है। ये जो यंग बॉय है, ये उडुपी से है। राइटर को याद आता है इसके बारे में, जिसके पिताजी क्या काम करते हैं? एक पादरी है, यानी कि प्रेस्ट है, पुजारी है। ये छोटा सा लड़का जूतों के लिए क्यों आया स्टोरी में? इसको याद आता है कि ये बच्चा जूतों के लिए रोज मंदिर में प्रार्थना करता है कि भाई मुझे जूते मिल जाए। और जब इसको जूते मिल जाते हैं तो ये प्रार्थना करता है कि ये जूते खो ना जाए। अब ये जो साहिब है मुकेश, ये इतने गरीब हैं कि इनके पास ना ढंग से खाने के लिए है, ना चप्पल पहनने के लिए है। ये नंगे पैर घूमता है साहिब। इसको मुश्किल से एक बार जो है किसी अमीर बच्चे ने फटे हुए जूते दिए थे, जिसको पाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मुकेश जो है ये मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता है। ये हालांकि अपने जो ये पैसा जो जिस प्रोफेशन में ये है, ग्लास में या बैंगल मेकिंग में, उससे अलग हटके ये क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक्स, ताकि ये अपने लाइफ को थोड़ा सा सुधार सके। ये मेन मेन सी इसकी स्टोरी है। बाकी स्टोरी हम जो है एमसीक्यूज के द्वारा कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? ऑथर क्या देखता है इस चैप्टर में? रिच पीपल है, गार्बेज है, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन है, हर वर्क्स है। ऑथर इसमें देखता है गरीब बच्चे और उनका किस प्रकार से शोषण होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? इसकी सेंट्रल थीम क्या है चैप्टर की? पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, गार्बेज, साहिब एंड मुकेश, स्प्रिंग सीजन। तो इसकी थीम है पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन, बेचारे गरीब बच्चे और उनका जो बचपन खो जाता है, यानी कि छोटी सी उम्र में ही वो जो काम धंधे पर लग जाते हैं, जिसके कारण वो अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाती है। इसकी सेंट्रल थीम है चैप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? क्या इनको बाध्य करता है कि भई ये जो है ऐसी जिंदगी जिए, शोषण की जिंदगी जिए? ग्रीड है, एक्सट्रीम पुअर्टी है, पियर्स है, पेरेंट्स है, पियर्स होते हैं हम उम्र जैसे, इनको कौन बाध्य करता है? एक्सट्रीम पुअर्टी, ये बहुत ज्यादा गरीब है, जिसके कारण इनको छोटी सी उम्र से ही कमाना पड़ता है, काम धंधों पर लग जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज साहिब? साहिब कौन है? अभी बताते, इसमें दो लड़के आते हैं, एक साहिब आता है, एक मुकेश आता है। साहिब कौन है? एक स्कूल गोइंग बॉय है, द सन ऑफ ए किंग है, एक रैग पिकर है, द राइटर सन है। साहिब एक रैग पिकर है। रैग पिकर, पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाला, जो हमारी गलियों में आते हैं बड़ा सा थैला लिए, और जो लिफाफे वगैरह या जो भी सामान ऐसा लगता है कि ये बिक सकता है, प्लास्टिक है, लिफाफे है, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको हम कहते हैं रैग पिकर। और साहिब यही काम करता है, छोटा सा लड़का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी डिड साहिब फैमिली बिलोंग टू? ये जो साहिब है, इसके परिवार कौन से शहर से है? ढाका से है, कोलकाता से है, पटना से है, यूपी से है। साहिब का परिवार ढाका से बिलोंग करता है, और ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ये यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? बांग्लादेश से खाने के लिए। बांग्लादेश में इनके, हालांकि इनके पास क्या है, खेत भी है, लेकिन उन खेतों में होता कुछ भी नहीं है। वो खेत हर साल वहां पर क्या आती है, बाढ़ आती है या तूफान आता है, जिसके कारण इनके खेत में कुछ नहीं होता, इनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। भूखे मरते ही है वहां पे। भूख से बचने के लिए ये, इसकी फैमिली अपने खेतों को छोड़ के कहाँ आ जाती है? दिल्ली के नजदीक सीमापुरी में, और जहाँ इनको रहने के लिए भी जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज साहिब स्क्राउजिंग फॉर इन द हीप ऑफ गार्बेज? स्क्राउजिंग होता है ढूंढना, सर्च करना। ये क्या सर्च करता है? गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज होता है कूड़ा, करकट, हीप होता है ढेर, ये कूड़े करके
के ढेर में से क्या देखते हैं? बुक्स को ढूंढते हैं, फूड को, टॉयज को, रैग्स को, ये वहां से क्या निकालते हैं? कूड़ा करकट निकाल, जो इनके काम का होता है, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, पॉलिथिन वगैरह, ये यहाँ से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम? ये जो साहेब है, इसका नाम, पूरा नाम क्या है? साहेब ए आलम। तो ये साहेब ए आलम का क्या मतलब होता है? लॉर्ड्स ऑफ स्टेट, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द लैंड, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज साहेब रोम विद? साहेब किसके साथ घूमता है? हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर, हिज क्लासमेट्स, हिज फ्रेंड। साहेब जो है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है। घूमने का मतलब वो कूड़ा बीनने का काम जो करता है, अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड साहेब नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम? क्या अपने नाम का मतलब उसे पता है? क्या नाम है साहेब का? साहेब ए आलम। क्या इसे इसका पता है कि साहेब ए आलम का क्या मतलब होता है? यस, नो, मे बी, मे नॉट बी। नहीं, इसे अपने नाम का मतलब नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, बट वॉज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? उनके जो माता पिता हैं उनके लिए ये कूड़ा करकट क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मीन्स ऑफ जॉय है, मीन्स ऑफ सोरो है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। उनके लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। सर्वाइवल होता है जीवित रहना, ये जीवित रहने का साधन है, क्योंकि कूड़ा करकट को जो भी मिलता है इसमें से बेच कर वो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज द यंग बॉय फादर? यंग बॉय जो है, जिसका जिक्र आता है कहाँ? उड़ीपी वाली जो स्टोरी बताई थी उसमें जो जिक्र आता है यंग बॉय का, उसके पिताजी क्या करते हैं? प्रेस्ट है, फार्मर है, टीचर है, सोल्जर है। उसके पिताजी क्या है? पुजारी हैं। और ये यंग बॉय का जिक्र क्यों आया है, ये किस लिए आया है? क्योंकि राइटर को याद आता है ये छोटा सा बच्चा किस लिए प्रार्थना करता है रोज, ये अपने जूते प्राप्त करने के लिए, इसके लिए पास जूते नहीं है, नए जूते के लिए मंदिर में प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दे। और जब जूते मिल जाए तो किस लिए प्रार्थना करता है? कहीं मेरे जूते खो ना जाए, इसलिए ये रोज प्रार्थना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बॉय प्रे फॉर? वो बच्चा किस लिए प्रे करता है? ए पेयर ऑफ शर्ट्स, बुक्स, मनी, ए पेयर ऑफ बूट्स। वो ए पेयर ऑफ बूट्स के लिए प्रार्थना, कौन सा बॉय? यंग बॉय फ्रॉम उडुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? ऑथर के अनुसार ये जो गार्बेज है, इसका मतलब बच्चों के लिए क्या है? बच्चे इस गार्बेज को क्या समझते हैं? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग एंड ए वंडर। वो इसको एक वंडर समझते हैं। वंडर का मतलब हैरान कर देने वाला, क्योंकि इनको गार्बेज में कभी रुपये मिल जाते हैं, कभी इन्हें जो है कुछ और चीज मिल जाती है, जिससे ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इनके लिए ये क्या है? एक रहस्य। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? सीमापुरी कहाँ पर है? इन द सेंटर ऑफ दिल्ली, एट द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ऑल ऑफ द अबव। ये एट द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, पेरिफ्री होता है किसी की सीमा से, दिल्ली की सीमा से सटे हुए, दिल्ली के बिल्कुल पास ये सीमापुरी है। हु लिव्ड इन सीमापुरी? सीमापुरी में कौन रहता है? फार्मर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ट्रेडर्स हैं, रैग पिकर्स हैं। सीमापुरी में रैग पिकर्स रहते हैं लगभग कितने? 10,000 के करीब, चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि चैप्टर बहुत पुराना लिखा हुआ है तो चैप्टर में जिक्र आता है कि 10,000 के करीब परिवार जो है सीमापुरी में रहते हैं। और ये सारे कहाँ से आए हुए हैं? ये ढाका से आए हुए हैं। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। यहाँ पर क्यों आए हुए? हालांकि ढाका में इनके खेत भी हैं, इनके रैग पिकर्स के, अपने बहुत ज्यादा खेत खलियानों को छोड़ के, खुली जगह को छोड़ के, ये बहुत तंग से जगह पर रहने के लिए आए हैं, क्योंकि वहां पर इनके खेतों में बाढ़ के कारण कुछ पैदावार नहीं होते और ये भूखे मरते हैं वहां पे। इसीलिए यहाँ थोड़ा बहुत खाना के जुगाड़ में ये कहाँ जाते हैं? सीमापुरी में। तो कौन रहता है सीमापुरी में? रैग पिकर्स। और साथ में किसका जिक्र आता है सीमापुरी से रिलेटेड? साहेब का, साहेब सीमापुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंज हैज कम इन सीमापुरी ओवर द ईयर? सीमापुरी में कई सालों से क्या बदलाव हुआ है, पिछले कई सालों से? इट हैज नो लॉन्गर ए वाइल्डरनेस। Here structures of mud with roofs of tin and tarpaulin have appeared here. About 10,000 rag pickers live here, all of the above. तो सारे बदलाव आए हैं। पहले ये निर्जन इलाका था, लेकिन अब नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं, किसके? टीन के और टार्पलेन के। और लगभग 10,000 परिवार यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट? किसको कई बार 1 रुपया मिल जाता है, कई बार 10 रुपये का नोट मिलता है? राइटर को, द स्टोरी टेलर को, साहेब को एंड हिज पेरेंट्स। साहेब को, क्योंकि साहेब किससे रिलेटेड है? साहेब क्या है? एक रैग पिकर है।
ये कूड़ा इकट्ठा करता है। द वर्ड गार्बेज मीन्स रबिस, एक्सपेंसिव मटेरियल, रेयर मटेरियल, यूजफुल मटेरियल। गार्बेज का मतलब होता है रबिस, बेकार का चीज। वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड, साहिब कहाँ पर नौकरी करता है, मतलब साहिब पहले कूड़ा बीनता लेकिन एक बार इसकी जो है नौकरी भी लग जाती है, कहाँ पर? एट ए टी स्टॉल नियर सीमापुरी, एट ए सारी शॉप, एट ए ज्वेलरी शॉप, एट ए स्वीट शॉप। वो एक टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? क्या जब वो टी स्टॉल पे काम करता तो वो खुश है? हालांकि टी स्टॉल पे उसे कितने पैसे मिलते हैं? 800 रुपये मिलते हैं उसे। क्या वो खुश है? यस यस ही अर्न्स मनी, नो नो अर्निंग, नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। नहीं, वो खुश नहीं है। और खुश क्यों नहीं है? पैसे भी मिलते हैं इसको लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि अर्निंग बट नो फ्रीडम, पैसे तो मिलते हैं लेकिन अब उसकी आजादी नहीं रही। जैसे पहले वो थैले को लेके घूमता रहता था, अपनी मर्जी का मालिक था, अब वो उसकी मर्जी खो गई है, तो इसलिए उसको खुशी नहीं है। व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर जो है गार्बेज को गोल्ड क्यों कहता है? बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। क्योंकि इस कूड़े को बेच के ये जो रैग पिकर्स हैं पैसे कमाते हैं, जिससे ये अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो इसलिए इसको गोल्ड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू दैट बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? ये बॉयज जो है ऑथर को कैसे दिखते हैं? मॉर्निंग क्रोज है, इवनिंग क्रोज है, मॉर्निंग बर्ड्स है, इवनिंग बर्ड्स है। ये सुबह के पक्षियों के समान राइटर को देखते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? ये टाइटल क्या दिखाता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज। ये दिखाता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। साहिब हिल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब जो है कहाँ से आया है? दिल्ली से, सीमापुरी से, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका? साहिब जो है ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका से आए हुए लोग हैं। रहते कहाँ हैं? सीमापुरी में, लेकिन आए कहाँ से हैं? ढाका से। Why did Saib go through garbage dumps? क्यों जाता है वो कूड़े करकट के ढेरों के पास से? To find a silver coin, a rupee, a 10 rupee note, all of this. वो इन सभी के लिए जाता है, क्योंकि जब वो कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढता है तो कभी कभी उसे सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है, कभी रुपया मिल जाता है, कभी 10 rupee नोट मिल जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। व्हाट फोर्सेस साहिब टू बी रैग पिकर? क्या चीज है जो साहिब को रैग पिकर होने के लिए बाध्य करती है? हार्ड वर्क है, डेस्टिनी है, पीपल अराउंड हिम है, एक्यूट पुअर्टी है? एक्यूट पुअर्टी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब है जिसके कारण इसे कूड़ा करकट इकट्ठा करना पड़ता है, एक्यूट पुअर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? पुअर हेल्थ है, मतलब हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? खतरा। क्या क्या नुकसान है ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के? पुअर हेल्थ है, इम्पेयर्ड विजन है, मिजरेबल लाइफ है, ऑल ऑफ दिस है। तो ये सारे के सारे हैं। ग्लास इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनकी स्वास्थ्य भी गिरता है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है, मिजरेबल लाइफ 10 years 60 हो जाती है उनकी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद की जो लोकल फैमिलीज, उनको नौकरी कौन देता है? ब्यूरोक्रेट्स है, मर्चेंट्स है, पॉलिटिशियन है, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद कहाँ पर है? यूपी में। और किस लिए फेमस है? ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, चूड़िया बनती है यहाँ पर। तो इनको नौकरी कौन देती है? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या काम है? टू मेक विंडोज, टू मेक डोर्स, टू मेक ग्लास, टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। डी, टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स? जो ये कूड़ा करकट इकट्ठे करने वाले बच्चे हैं, ये चप्पल ना पहनने का क्या कारण बताते हैं, क्या बहाना बनाते हैं ये कि हम चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? मदर्स डोंट गिव नो इंटरेस्ट इन ट्रेडिशन, ऑल ऑफ दिस। सारे बताते, कोई कहता है माने नहीं दी, कोई कहता है मुझे कोई शौक नहीं है चप्पल पहनने का, कोई कहता है कि भाई हमारी परंपरा है। तो ये सारे कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? अब ये सेकंड बॉय है मुकेश। पहला कौन था? साहिब था। कहां से था? सीमापुरी से। और मुकेश कौन है? स्टूडेंट है, वर्कर है, बैंगल मेकर है, रैग पिकर है। क्योंकि मुकेश किससे रिलेटेड है? चूड़िया बनाने वाली इंडस्ट्री। तो मुकेश क्या है? बैंगल मेकर है।
फॉर द पीपल ऑफ साहिब कोलो ने व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, पहचान से उनके लिए क्या जरूरी है, गोल्ड सिल्वर कोर्स फूड, उनके लिए खाना जरूरी है, उनके लिए पहचान जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है, खाना। वेयर डू साहिब एंड अदर सच पीपल पिच देयर टेंट्स, वो अपने घर कहाँ पर बना लेते, टेंट का मतलब, क्योंकि उनके पक्के घर तो है नहीं, टेंट लगाते हैं वो, कहाँ पर वो टेंट लगा लेते हैं, इन ए गुड कॉलोनी वेयर एवर दे फाइंड फूड बाय द बैंक ऑफ ए रिवर नियर ए थिएटर, जहां कहीं भी उनको खाना मिलता है वो अपने टेंट वहीं पर लगा लेते हैं। बट इट साहिब वॉचिंग फ्रॉम द फेंस गेट ऑफ ए क्लब, साहिब जो है जालियों में से क्लब के पास क्या देख रहा है, टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस, टू विमेन डांसिंग, टू कॉलिंग डॉग्स एंड गार्डनर प्लांटिंग फ्लावर्स, वो देखता है कि दो आदमी टेनिस खेल रहे हैं। लेटर साहिब इज फाउंड वियरिंग शूज, हु गेव देम द शूज, बाद में साहिब एक दिन जूते पहने हुए दिखता है, तो वो जूते उसको किसने दिए, राइटर ने दिए, पुलिसमैन ने दिए, डॉक्टर ने दिए, ए रिच बॉय, वो जूते उसको किसने दिए, ए रिच बॉय ने दिए, क्यों दिए, क्योंकि वो अमीर लड़के के लिए वो जूते खराब हो गए थे, क्योंकि उनमें से एक कहीं से फट गया था। व्हाई डिड ए रिच बॉय गिव द टेनिस शूज टू साहिब, क्यों दिए इसने इसको जूते, ही लाइक साहिब, ही हेटेड द शूज, देयर वाज ए होल इन वन ऑफ देम, साहिब ब्रॉट देम फ्रॉम हिम, क्योंकि उनमें से एक में छेद हो गया था जो रिच बॉय के काम के नहीं रहे, इसलिए उसने वो जूते किसको दे दिए, साहिब। व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, क्या कारण है कि लोग जो हैं गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, नो मनी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, आंधी या तूफान में या बाढ़ में जो उनके घर टूट जाते हैं उसके कारण इनको जो है खाने के लाले पड़ जाते हैं, इस कारण से ये कहाँ आ जाते हैं, सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पुअर्टी, ये गरीब क्यों है जबकि ये काम भी करते हैं, फैक्ट्रीज में लगे हैं, फिर भी क्यों गरीब हैं, कास्ट एंड एंसेस्टर प्रोफेशन है, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, ऑल ऑफ दिस, ये इन सभी के कारण है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, बंगाल इंडस्ट्री में, वो अपना इसको भाग्य भी मानते हैं, इनकी जाति के काम भी है कि भाई तुमको तो यही काम करना है, और कुछ नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के कारण भी ये यहाँ पर रहने को बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, ये जो फिरोजाबाद है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कास्टिज्म फॉर रैग पिकर्स, फॉर पुअर्टी, फॉर बंगल्स, ये चूड़ियों के लिए जानी जाती है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, ग्लास ब्लोइंग, यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, कहाँ पर, फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद कहाँ है, यूपी में। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार से उसका नजरिया अलग क्यों है, बींग डेयरिंग फॉर्म एंड क्लियर, बींग ए फाइटर, बींग ए कोवर्ड, नॉट क्लियर, बींग डेयरिंग क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिम्मत है, ये अपने वादे पे खरा भी है और बिल्कुल स्पष्ट सोच है इसकी भी मुझे क्या बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहते हैं उनके जीवन का क्या जीवन का जरिया क्या है, वर्क है, एजुकेशन है, मर्चेंडाइजिंग है, रैग पिकिंग है, रैग पिकिंग है, और सीमापुरी में कौन रहता है, साहिब। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, साहिब को कौन सा स्पोर्ट पसंद है, ये मैंने इसमें नहीं कवर किया, कौन से खेल इसको पसंद है, तो टेनिस, जब वो टेनिस खेलते हुए बच्चों को देखता है तो उसको भी टेनिस खेलने का मन करता है, तो इसको ये पूछा जा सकता है साहिब को कौन सा खेल पसंद है, तो इसको कौन सा खेल पसंद है, टेनिस। व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना क्या है, टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए मर्चेंट, टू बी ए रग, टू बी ए मोटर मैकेनिक, टू बी ए मोटर मैकेनिक, रोज होता है ठग, लेकिन मुकेश क्या बनना चाहता है, ए मोटर मैकेनिक, को मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। What changes did Anis Jung see in Sahib when he saw him standing by the gate of neighboring neighborhood club, as if lost his freedom, lost ownership, lost by all of this? तो राइटर को ये सारे दिखते हैं कि भाई इसका बचपन जो है वो भी आजादी भी गुम हो गई है, इसने अपनी ओनरशिप जो अपना मालिक था वो भी मालिकाना हक भी खो दिया है, इसकी खुशी भी खो गई, तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं इसमें आएंगे, राइटर को ऐसा लगता है कि ये सारे ऑप्शंस हैं जब वो साहिब को देखती है। The writer describes the life of another poor boy. What is his name?
राइटर जो है एक और बच्चे का, जो गरीब बच्चा है उसका बारे में बताती है, वो कौन है। मुकेश है, सुरेश है, रमेश है, सुमेश है, वो है मुकेश। पहला आता है साहेब, सीमापुरी से है, खेल कौन सा पसंद है इसको, टेनिस है, काम क्या करता है ये, रैग पिकर है। सेकंड कौन है, मुकेश है, कहाँ पर है, फिरोजाबाद में है, क्या काम करता है, बेंगल इंडस्ट्री में, बनना क्या चाहता है ये, मोटर मैकेनिक। वेयर डज मुकेश फैमिली वर्क, मुकेश की फैमिली कहाँ पर काम करती है, इन ए स्कूल, इन ए फॉर्म, इन ए क्लब, इन ए बेंगल फैक्ट्री, इन ए बेंगल फैक्ट्री। वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ पर रहता है, इन फिरोजपुर, इन फरीदाबाद, इन औरंगाबाद, इन फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद में रहता है, और फिरोजाबाद कहाँ है, यूपी में है। ये बनना क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्ट्रीट इन विच मुकेश हाउस इज सिचुएटेड, जहां पर मुकेश का घर है वो गलियां कैसी हैं, ए फाइन स्ट्रीट है, ए वाइड स्ट्रीट है, स्ट्रीट विद सिविक एमिनिटीज है, सिविक एमिनिटीज होते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं हो, शिविर वगैरह हो, या स्टिंकिंग लेन है चॉक विद गार्बेज, स्टिंकिंग यानी कि बदबूदार गलियां हैं जो कि कूड़े करकट से अटी पड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, मुकेश किस प्रकार के घर में रहता है, बिग हाउस है, ए बेंगलो है, ए हाफ बिल्ट रफ हट है, ए फ्लैट है, आधी बनी हुई झोपड़ी है। व्हाट डू द बेंगल सिंबलाइज इन इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर में बेंगल का क्या महत्व है, सुहाग है, करप्शन है, चस्टिटी है, फार्मिंग, बेंगल्स जो है चूड़िया जो है सुहाग की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज स्विता, एक स्विता का भी जिक्र आता है, स्विता कौन है, ए यंग गर्ल है शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, मुकेश वाइफ है, मुकेश सिस्टर इन लॉ है, नन ऑफ द अबव। स्विता जो है ए यंग गर्ल है जो कि चूड़ियां ठीक कर रही थी, और इसने कैसे ड्रेस पहनी हुई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है। और मुकेश के घर में कौन कौन है, मुकेश के घर में सिर्फ चार आदमी है, मुकेश, उसके बड़े भाई यानी कि एल्डर ब्रदर है उसके, उसके फादर हैं, और उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि मुकेश के बड़े यानी कि इसकी भाभी है, चार ही पर्सन है इनके परिवार में। ये भी पूछा जा सकता है, मुकेश के पिताजी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इसमें कवर नहीं किया। पहले मुकेश के पिताजी दर्जी का काम करते थे, फिर किस में आ गए, ये बेंगल इंडस्ट्रीज में आ गए, और ये कहते हैं भाई हमने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है, और मुश्किल से ही ये क्या बना पाए हैं, एक झोपड़ी बना पाए हैं जो कि आधी बनी हुई है, और इसको ये बहुत बड़ी बात मानते हैं कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में इतना तो पा लिया है। तो ये सारी समरी भी और एमसीक्यूज भी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, लगभग मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो समझ में आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करना, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।